गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ठोस अवस्था के पार्ट टू को डिस्कस कर रहे हैं, पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी एफसीसी। हम लोग अपने पार्ट वन में देख लिए एफसीसी में किस प्रकार से पैकिंग होती है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे इन द डेप्थ में कि जो है क्या एफसीसी ज़्यादा अच्छी पैकिंग मानी गई या बीसीसी किस में ज़्यादा जो है घटक कणों के द्वारा जो है यूनिट सेल के वॉल्यूम को कवर किया गया है। तो आइए स्टूडेंट लेट ना करते हुए हम लोग देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी में। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने का फार्मूला होता है घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन जो इकाई सेल के कुल आयतन का होता है, यदि इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले एक हम इकाई सेल बनाएंगे। आप एक इकाई सेल को बना लेंगे, उस इकाई सेल में सभी घटक कणों को कोनों पर लगाएंगे। जब सभी घटक कणों को कोनों पर लगा लेंगे तो उसके बाद आपको किन्हीं दो कोनों को मिला करके इनके डायगोनल को बना करके आपको ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा, जैसे कि हम लोग एफसीसी में किए थे। तो इस घटक कण को हमने यहाँ पर मिला लिया, इस कोने से इस कोने पर एक हमने डायगोनल खींचा, तो इसी प्रकार से एक डायगोनल हमको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दो प्रकार के ट्रायंगल देखने को मिल गए, एक तो हमारा ये डायगोनल एक ट्रायंगल बना है, एक ये ट्रायंगल बना है। यदि हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने और इसको डी माने, तो हमको जब एक ही कोनों से दो दो डायगोनल खींचेंगे तो बीसीसी में घटक कण होता है यहाँ बिल्कुल सेंटर में एक, तो हम इसको भी देखेंगे और हर एक जो है कोनों की किनारों की लंबाई ए है हर एक स्थानों पर, लेकिन इस डायगोनल को हम मान लेते हैं यहाँ पर, इसको इसके मान को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं इसको बी और इसको मान लिए सी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक ट्रायंगल को, मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल डी ए सी में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल डी ए सी में, ट्रायंगल डी ए सी में हम लोग लिखेंगे ये वाली हमारी सबसे लंबी जो है रेखा, इसे हम बोलेंगे जो है कर्ण, और इसके सामने वाली लंब और इसके जो है बेस में है उसे आधार बोलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर सभी जो है ए और डी के कोनों की लंबाई भी ए ही है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए और सी में बी है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और यहाँ भी ए का स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर, बी बराबर आएगा अंडर रूट टू ए। इतना आप एक ट्रायंगल को सॉल्व करके ला लेंगे। अब हम इसी प्रकार से दूसरे ट्रायंगल ए बी और सी को भी सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। अब हम ट्रायंगल ए बी सी में निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण हो गया ये लंब, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार माना जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी, लिखेंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इतना आप लिखेंगे।
उसके बाद आप ए बी का स्क्वायर जो माने थे इसको हम सी का स्क्वायर मान सकते हैं और हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी। तो बी और सी इनके डाइक इनके किनारों की लंबाई ए है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर और ए और सी में क्या लिखेंगे हम बी स्क्वायर लिख लेंगे। अब बी स्क्वायर का मान हमको यहाँ मिला था 2a स्क्वायर मिला था ना, आप इसको मान को यहाँ पर पुट आउट कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो हम अगर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं c इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 3a, इतना आपको करना होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर। तो सी बराबर हम लोग सीखते हैं कि जो है अंडर रूट थ्री ए। अब आप दोनों डायगोनल के ट्रायंगल को सॉल्व कर लिए हैं। अब मैटर यहाँ पर ये उठा कि हमने तो जो है यहाँ दोनों ही ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया है तो अब आपको R और A के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना होगा। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे यदि यदि हम बोलें तो रेडियस यदि R मानते हैं हम लोग रेडियस R मान लेते हैं तो बताइए यहाँ पर जो रेडियस R होगा वो कितना होगा, एक यहाँ पर होगा दो तीन और एक क्या हो जाएगा चार। तो हम लिखेंगे 4R बराबर लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 3A 3A इतना लिख सकते हैं क्योंकि वही तो है C बराबर निकला हुआ है 3A। तो हम लिख सकते हैं C बराबर 3A बराबर इस पर 4R ऐसे कर सकते हैं। हम इसको निकालें तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 4R बाई अंडर रूट 3। ये A का मान निकला हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब ए का जो मान निकला हुआ है यहाँ पर आप इसको और यदि जो है सॉल्व करेंगे आर का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं आर बराबर लिख सकते हैं क्या कि जो है आर बराबर फोर बाई थ्री ए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो आर बराबर R जो निकलेगा 4 बाई थ्री ए, ये R और A ये दोनों ही वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे सॉल्व करेंगे A और R के मान को हमको पता चल गया है ओ, तो अब हम यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे मतलब संकुलन क्षमता निकालना शुरू करेंगे। तो संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे इसके लिए हम आपको अपने FCC प्रकार की पैकिंग में व्यवस्था बताए थे तो हम यहाँ पर फिर से BCC प्रकार की पैकिंग में ये व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स लेट ना करते हुए हम दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लिए और उसमें A का मान भी पता चल गया और R का भी मान पता चल गया है। तो A और R इन दोनों के मान को आप लिख लेंगे तो A का मान निकल के आया था 4R बाई अंडर रूट 3 और वहीं R का मान निकाल के लाए थे 4 बाई अंडर रूट 3A। ये दोनों ही मान आपको BCC के लिए याद रखना होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो है इस फार्मूले पर घटक कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो घटक कण कितने हैं BCC में तो दो बताएंगे, घटक कणों की संख्या दो है और एक घटक कण के द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। और यहाँ पर इकाई सेल का कुल आयतन कहाँ तो इकाई सेल का लंबाई निकल के आई है BCC में
फोर आर बाई अंडर रूट थ्री। तो हम लिखेंगे ए बराबर, ए क्यू होता है आयतन, तो हम लिखे यहाँ पे इकाई सेल का कुल आयतन होता है ए क्यू, तो ए का मान हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो फोर आर बाई अंडर रूट थ्री, इतना तो आप लिख लेंगे, इसका होल क्यू कर लेंगे। और पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है प्रतिशत में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक बार यहाँ दिखा दीजिए, एक बार लास्ट में दिखा दीजिएगा, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कैसे, तो दुई चौका आठ, आठ, और यहाँ लिखेंगे आठ बाई थ्री पाई आर क्यू बटे चार चौक सोलह, सोलह चौका कितना चौंसठ, चौंसठ बाई थ्री अंडर रूट थ्री, उसके बाद थ्री अंडर रूट थ्री हो जाएगा, तो यहाँ लिखें चौंसठ बाई थ्री अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पे आर तो क्या हो जाएगा आर क्यू, इतना आप लिख ले जाएंगे। तो इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर और आगे सॉल्व करना होगा, इसको और आगे यदि हम सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं आठ पाई आर क्यू बटे, इस तीन को नीचे ला लेंगे, तीन इंटू सिक्सटी फोर, फिर लिखेंगे यहाँ पे आर क्यू बाई थ्री अंडर रूट थ्री, यहाँ से आठ हटाएं चौंसठ कट गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हम यहाँ लिख सकते हैं पाई आर क्यू। अब देखिए इसको हम लोग इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आर क्यू से आर क्यू भी कैंसिल कर लेंगे और इसको भेज दिए ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर मिल गया हमको क्या, हमको यहाँ पर मिल गया कि जो है पाई इंटू थ्री अंडर रूट थ्री, पाई इंटू थ्री अंडर रूट थ्री बटे लिख सकते हैं थ्री इंटू एट, एट, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पाई का मान रखना होगा, पाई का मान होता है बाईस बटे सात, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल टू, तो बाईस, बाईस गुणे थ्री अंडर रूट थ्री सेवन, इसको नीचे सेवन इंटू थ्री इंटू एट। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ हम एक बार वहाँ दिखाए थे, एक बार फिर अब लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं, या आप हर एक स्टेप में 100 से मल्टीप्लाई करते आइए। इसको हम लोग लिखेंगे 22 त्रिक छाछठ और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छाछठ सौ इंटू अंडर रूट थ्री, और लिखेंगे तब यहाँ पर छाछठ सौ, बाईस त्याई छाछठ और सौ से मल्टीप्लाई छाछठ सौ इंटू अंडर रूट थ्री बटे। अब यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करें तो सात त्रिक इक्कीस या आठ त्रिक चौबीस और चौबीस सत्य कितना होगा, चौबीस सत्य हम लिख देते हैं यहाँ पे एक सौ अड़सठ होगा, एक सौ अड़सठ। अब हमको यहाँ पर छाछठ सौ इंटू पाई जो है अंडर रूट थ्री जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे छाछठ सौ इंटू अंडर रूट थ्री बटे। अब हम इस सेक्शन को यहाँ के सेक्शन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो छाछठ सौ इंटू अंडर रूट थ्री बटे एक सौ अड़सठ, तो अंडर रूट थ्री का मान हमको रखना होगा, अंडर रूट थ्री का मान इस यहाँ पे है 1.73, तो छाछठ सौ गुणे 1.73 बटे 168, और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। अब हम आगे यदि हम यहाँ पर सॉल्व करें तो इसको हम और आगे कैसे सॉल्व करेंगे,
तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यदि इससे मल्टीप्लाई किए तो आएगा 11,418 भागे, लिखेंगे यहाँ पर 168, इतना लिखेंगे। और जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमको लगभग कितना प्रतिशत जो है पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो हमको निकल करके आ जाएगी, तो लगभग जो है आएगी 67.... कितना, तो 67.96 जो है 96, इतना प्रतिशत आपको पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसको हम जो है 18 के मतलब 68% के बराबर मान लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी में आपको 68% देखने को मिली, वहीं पर आपको एफसीसी में लगभग आपको एफसीसी में कितना देखने को मिली थी, तो आप बताते हैं एफसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिली थी 74.29% देखने को मिली थी, और इसमें कितना है तो आप बताएंगे 68% है। तो बताइए एफसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल का आए 74.29% है, और वहीं पर बीसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के लेके आए वो 68% निकाल करके लेके आए। तो अच्छी पैकिंग कौन मानी जाएगी, एफसीसी या बीसीसी? तो आप बताएंगे सर अच्छा जो वॉल्यूम जो कवर कर रहा है इकाई सेल का वो है एफसीसी, कितना 74.29%, और बीसीसी सर 68% कर रहा है, अर्थात बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी उतना अच्छी नहीं हो रही है जितना अच्छी किसकी हो रही है, एफसीसी की हो रही है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इस प्रकार के बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी को आप अच्छी तरीके से निकाल ले जाएंगे। यदि किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।